welcome back to Phi Coaching Institute. Today we will similarity of triangles for class 10th. What is the triangle? It is closed figure made up of three sides. जिसकी हमारे पास क्या होती हैं? थ्री साइड्स होती हैं. साइड्स इसमें क्या है हमारे पास? ए बी, ए सी एंड बी सी. ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? थ्री साइड्स चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज थ्री साइड्स. सेकंड पॉइंट इज हमें क्या चाहिए? इनके एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. नेक्स्ट पॉइंट थ्री, ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल. सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. लेट अस टेक वन एग्जांपल. ये हमारे पास है एक ट्रायंगल. सपोज हमारे पास थ्री साइड्स क्या हैं इसके पास? दिस इज सपोज 4, 3, 5. अब देखो इसमें अगर आपको एनी टू साइड्स लेनी है, बिकॉज हमें क्या करना है? सम ऑफ टू साइड्स. सपोज हम टू साइड्स लेते हैं 4 प्लस 3, दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. थर्ड साइड इसकी हमारे पास क्या है? 5. तो वो क्या होना चाहिए? टू साइड्स का सम दैट इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड. थर्ड साइड क्या है यहाँ पर? 5. मीन्स 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 7. 7 किससे ग्रेटर देन है? 5 के साथ. नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट इज सपोज करो हम टू साइड्स लेते हैं 4 प्लस 5. नेक्स्ट इज 4 प्लस 5 दैट इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन 3, बिकॉज 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 9. 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3. नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 5 प्लस 3 दैट इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन 4, बिकॉज 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4. इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? एक प्रॉपर ट्रायंगल है. नेक्स्ट अगर हम सपोज करते हैं कि दिस इज ए ट्रायंगल, कैन वी कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल? अगर हम ड्रॉ करेंगे, देखो नीचे क्या है? 4 सेंटीमीटर यूनिट. बेस हमारा है अगर सपोज करो 4 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर हम सपोज करो यहाँ से ड्रॉ करते हैं एंड नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर. अगर ये यहाँ से लेके यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, डबल कर देते हैं हम इसका, तो 2 सेंटीमीटर कहाँ तक जाएगा? दिस यूनिट तक. अब देखो इनके एजेस वर्टेक्सेस एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे ना, बिकॉज इट मीन्स दिस इज ए नॉट ट्रायंगल. बिकॉज इसका हमने रीजन अभी क्या डिस्कस किया था? सम ऑफ द टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड. अब ये हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर. अगर हम इनको ऐड करके देखते हैं, देखो 4 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2. 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 इज ग्रेटर देन 2. तो ये कंडीशन तो हमारे लिए है ट्रू. नेक्स्ट अगर हम करते हैं 2 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 4. ये कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या प्रूफ हो रही है? रॉन्ग. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं 4 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1. इसमें 2 कंडीशंस हमारी ट्रू अप्लाई हो रही है, लेकिन थर्ड सेकंड वाली हमारे पास ट्रू नहीं है. इट मीन्स वी कांट ड्रॉ द ट्रायंगल. इनका जो सम है ऑलवेज क्या होना चाहिए? टू साइड्स का सम. सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन थर्ड साइड. बट इट्स कंडीशन में हमारा ये फॉर्मूला है रॉन्ग प्रूफ हो रहा है. इट मीन्स वी कांट कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल. साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट. अब देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल में हमारे पास ये कितना एंगल है? एंगल ए कितना बन रहा है हमारे पास? 105 डिग्री. इट मीन्स जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री की फॉर्म में एंगल है, उसके ऑपोजिट वाली साइड, ऑपोजिट साइड यहाँ पर क्या है? बी सी. तो बी सी जो साइड होगी ऑलवेज वो भी क्या होगी? ग्रेटर होगी. एंड अगर हम इसका ऑपोजिट करें, बी सी हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट साइड है. अगर ये लार्ज साइड है तो उसके सामने वाला मीन्स उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होता है? ऑलवेज बिग एंगल होता है. इट मीन्स एंगल ए इज ऑल्सो हेयर लार्जेस्ट एंगल.
तो हमारा कंक्लूजन क्या यहाँ से निकला, जो बिगेस्ट हमारे पास लार्जेस्ट जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, ऑलवेज बिग होती है। चैप्टर का नेम क्या है हमारा, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है, सेम। सपोज वी हैव टू कॉइन्स, एक कॉइन है हमारे पास रुपये 1 का एंड सेकंड कॉइन है सपोज करो हमारे पास 5 रुपीज़ का, है तो ये दोनों ही कॉइन्स, एक कॉइन है 1 रुपी का एंड सेकंड कॉइन है 5 रुपीज़ का, मीन्स दोनों की शेप देखो, दोनों की शेप किसकी फॉर्म में है हमारे पास, सर्कल की फॉर्म में, दोनों की शेप किसकी फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में। इट मीन्स इनकी शेप जो है वो क्या है हमारे पास, सेम। बट अगर आप साइज़ को मेज़र करो तो 1 रुपी का कॉइन स्मॉल होता है एंड 5 रुपीज़ का कॉइन क्या होता है, बिग होता है रेदर देन 1 रुपीज़ के कॉइन से। इट मीन्स इनका साइज़ जो होता है वो क्या रहता है, डिफरेंट, नॉट सेम। डेफिनेशन ऑफ सिमिलर फिगर्स की हमारे पास क्या हुई, वेन टू फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। मीन्स जिनका अगर हमारे पास शेप सेम है बट साइज उन दोनों का क्या हो, डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, देखो दिस इज़ द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है सपोज करो 2 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट हम लाइन सेगमेंट ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर। ये लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट है एंड ये भी लाइन सेगमेंट है, मीन्स दोनों की अगर शेप देखो, दोनों की शेप क्या है, सेम है, बट इन दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। दिस इज़ द 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ द 3 सेंटीमीटर। तो दिस टाइप की फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स। Suppose this is the equilateral triangle. Equilateral triangle में हमारे पास angle किसके equal होता है, 60 degree का, but इसकी जो side है, side suppose करो ये है हमारे पास 2 centimeter and this is the 5 centimeter. दोनों है तो shape wise according हमें shape same दिखाई दे रही है because both are the equilateral triangles, but उनकी जो side है A से लेके B, B से लेके C and C से लेके A, लाइन जो है इनकी साइड जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर एंड ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देखने में दोनों की शेप क्या है, सेम, बोथ आर द स्केयर्स। ये स्केयर सपोज कर लो हमारे पास है 1 सेंटीमीटर साइड एंड ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, है तो दोनों ही क्या, सेम शेप है, दोनों स्केयर की शेप में है, बट दोनों का जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सर्कल, बोथ आर सर्कल्स बट इसका रेडियस हमारे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास, सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं, जिनकी शेप क्या होती है, सेम होती है, बट उनके साइज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज डिफरेंट। तो इस टाइप की फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर पॉलीगन्स, सिमिलर पॉलीगन्स क्या होता है, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल डी। इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। नेक्स्ट इज एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल, बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट इज एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखो ए बी, ए बी लेंथ है हमारे पास ये वाली एंड यहाँ से इसकी लेंथ क्या आएगी, डी ई। इट मीन्स ए बी अपॉन डी ई, ये दोनों क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट इज बी सी, अगर हम नीचे वाली वैल्यू ले रहे हैं बी सी, हेयर इज डी, हेयर इज ई एफ। इट मीन्स बी सी अपॉन ई एफ। नेक्स्ट इज ए सी या सी ए, नेक्स्ट इज ए सी अपॉन डी एफ। तो ये हमारे पास लेंथ्स क्या है, कौन सी फॉर्म में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। पॉलीगन्स हैं तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, या तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रूफ कर सकते हैं एंड सेकंड में हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। नाउ हेयर वी विल डिस्कस टू सिंबल्स, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ।
मीन्स ये वाला जो सिंबल है किसको शो करता है, इज सिमिलर टू, इफ वी विल शो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. नेक्स्ट इज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ. एंड अगर हम शो करते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, दिस वन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द कॉन्ग्रेंट फिगर्स, फिगर्स विथ सेम साइज. कॉन्ग्रेंट फिगर्स में हमारे पास साइज क्या होता है, सेम साइज एंड शेप, मीन्स दोनों की साइज एंड शेप जो होगा वो क्या होगा, सेम. एंड वी ऑलरेडी डिस्कस सिमिलर फिगर्स में हमारे पास क्या होता था, सेम शेप थी बट उनका जो साइज था वो क्या था, डिफरेंट. कॉन्ग्रेंट फिगर्स में दोनों की शेप भी सेम होगी एंड साइज भी सेम होगा, दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली. वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कवर करेंगे एग्जैक्टली. मीन्स एक दूसरे के अगर ऊपर हम कुछ भी रखते हैं तो वो दोनों वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कवर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू स्क्वेयर्स, हमारे पास टू स्क्वेयर्स हैं. एंड अगर मैं येलो वाले पेपर को पिंक के ऊपर रख रही हूँ तो ये देखो ये उसको प्रॉपर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. एंड इफ़ वी विल रोटेट, अगर हम पिंक वाले पेपर को रख देते हैं येलो वाले पेपर के ऊपर, देन पिंक पेपर विल ऑल्सो कवर येलो पेपर. एंड अनदर एग्जाम्पल, इफ़ वी विल टेक टू क्वाइंस, टू रुपीज का क्वाइन है, देखो अगर हम ये वाला क्वाइन इसके ऊपर रख रहे हैं तो ये नीचे वाले क्वाइन को क्या कर रहा है, कवर. एंड इफ़ आई विल रोटेट, अगर इसको मैं रोटेट कर रही हूँ देखो, एंड अगर अपर वाले पोर्शन को हम नीचे वाले से कवर कर देंगे तो ये भी नीचे वाले क्वाइन को क्या कर रहा है, यहाँ पर कवर कर रहा है. इट मीन्स दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कवर करते हैं एग्जैक्टली. नेक्स्ट इज अगर हम उनको चेंज भी कर दें एंड रोटेट भी कर दें, दे आर सेट टू बी द कॉन्ग्रेंट. नाउ वी हैव फाइव क्राइटेरियाज, एस ए एस, एस मीन्स साइड. नेक्स्ट इज ए, ए फॉर एंगल, एस ए एस, ए एस ए रूल, ट्रिपल एस, ए ए एस एंड आर एच एस. आर यहां से मीनिंग होता है आर फॉर राइट साइड एंड नेक्स्ट एच फॉर हाइपोटेन्यूज. नाउ वी विल डिस्कस एस ए एस रूल, एस मीन्स साइड एंड ए फॉर एंगल. नाउ वी विल टेक हेयर टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. एस का मीनिंग है यहाँ पर हमारे पास क्या है, टू साइड्स है. साइड्स देखो ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के साइड के इक्वल है. एंड नेक्स्ट बी सी साइड किसके इक्वल है, हमारे पास क्यू आर के इक्वल है. एंड नेक्स्ट ए फोर एंगल, एंगल यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू. इट मीन्स ये हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है, बाय एस ए एस रूल. बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल. कंक्लूजन यहां से हमारे पास क्या निकल रहा है, अगर आप कोई भी प्रूफ कर दो, एनी टू साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं एंड इफ यू विल प्रूफ दैट वन एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, देन वी कैन से दैट बाय रूल, जो भी आपके पास रूल बनेगा, दैट इज बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स. इस फॉर्म में हम ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ कर सकते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं. मीन्स इनकी साइज भी सेम है एंड इनका शेप भी जो है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है, और दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कवर कर रहे हैं. नेक्स्ट रूल है हमारे पास बाय ए एस ए, ए एस ए मीन्स टू हम यहाँ पर क्या शो करेंगे, एंगल्स, एंड वन क्या शो करेंगे हम यहाँ पर, साइड. तो यहाँ पर देखो एंगल बी अगर हम शो कर देते हैं, एंगल किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल. मीन्स एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है. एंड नेक्स्ट इज साइड शो कर देते हैं, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल. एंड नेक्स्ट इज एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल.
So now we can say that both of the triangles are the congruent triangle by the rule ASA rule. So we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. इसी फॉर्म में हम सारे रूल्स को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं एक दूसरे के इक्वल करके बाय विद द हेल्प ऑफ द एंगल एंड साइड. लास्ट प्रॉपर्टी इज RHS. R मीन्स राइट. अब यहाँ पर राइट एंगल आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. नेक्स्ट HH पर हाइपोटन्यूज मीन्स AC इज इक्वल्स टू PR. And next is side, S for side. Side means BC is equals to QR. So now we can say that both of the triangles are the congruent triangles. Now we will discuss. सिमिलर ट्रायंगल्स में हम लोगों ने क्या शो किया था कि अगर आप कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर इक्वल कर दो, एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, इफ़ वी विल प्रूव द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो वो दोनों अगर आप प्रॉपर्टीज शो कर दो देन वी कैन से दैट दे आर द सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर फिगर्स. नेक्स्ट इज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, फाइव क्राइटेरियाज डिस्कस किए हैं. आप उसकी हेल्प से ऑल फिगर्स को क्या शो कर सकते हो, दे आर द कॉन्ग्रेंट फिगर्स. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.